हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स के। मेरे प्यारे साथियों, आज 20 जून 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज का करंट अफेयर्स जीके, क्वेश्चन संख्या फर्स्ट। द रिजर्व बैंक हैज इंपोज्ड ए फाइन ऑफ 1 करोड़ रुपीज ऑन नॉन कॉम्प्लायंस विद फ्रॉड एंड अदर इंस्ट्रक्शंस। रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी और अन्य निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। और इसका राइट आंसर की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी टुटनेव एड्रेस्ड द बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया। रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी टुटनेव ने भारत के किस शहर में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को संबोधित किया है? तो इसके लिए बात की जाए, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जयपुर। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी टुटनेव ने मुंबई के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को संबोधित किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 17th लोकसभा। किसे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए वसुंधरा राजे, ऑप्शन बी ओम बिड़ला, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी राज्यवर्धन सिंह राठौड़। साथियों, 17वीं लोकसभा जो कि 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद स्टार्ट हुई है, उसके लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिड़ला को चुना गया है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओम बिड़ला के बारे में हम आपको बता दें, यह 2 बार से राजस्थान से बीजेपी के सांसद है। वर्तमान में यह है कोटा और बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। He is elected from Kota and Bundi election area. Question संख्या 5, sorry 4. ICC World Cup history has become the worst bowler of 2019. ICC विश्व कप इतिहास 2019 के सबसे खराब गेंदबाज बने हैं। ऑप्शन ए रशीद खान, ऑप्शन बी मार्टिन स्नेडन, ऑप्शन सी अजंता मेंडिस, ऑप्शन डी भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों, राशिद खान जो है वो अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 9 ओवर में 110 रन दिए हैं 105 रन देकर राशिद खान 2019 के वर्ल्ड कप के सबसे खराब गेंदबाज बने हैं। अतः इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच इनक्यूबेटर्स विल बी सेट अप एज ए पार्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड उदित्या डेवलपमेंट 2.0 स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार अपने सूचना प्रौद्योगिकी और उद्यमिता विकास 2.0 योजना के हिस्से के रूप में कितने इनक्यूबेटरों की स्थापना करेगी? ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 51 और ऑप्शन डी 52। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी 51। दोस्तों बात की जाए इक्यूबेटर सेंटर की तो वित्तीय एवं तकनीकी यह वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेगा जो कृत्रिम बुद्धिमता ब्लॉकचेन रोबोटिक्स और सामाजिक प्रासंगिकता के पूर्व चिन्हित क्षेत्रों में चीजें के इंटरनेट सहित गहरी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको तीन श्रेणियों में बांटा गया है, श्रेणी है G1C, G2C और G3C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड फॉर द एडिक्शन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 18 जून 18 जून को, ऑप्शन बी 19 जून 19 जून को, ऑप्शन सी 21 जून 21 जून को, ऑप्शन डी 12 जून 12 जून को। दोस्तों संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 19 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 19 जून। और इस वर्ष का जो विषय है वह है द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वाइवर सेंटर्ड अप्रोच। क्वेश्चन संख्या 7, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट अलाउवेंस विल बी गिवन टू अनएम्प्लॉयड यूथ हैविंग ए बैचलर और इक्विवेलेंट डिग्री बाय राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार द्वारा स्नातक या समकक्ष डिग्री रखने वाले बेरोजगार युवाओं को कितने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ऑप्शन ए 2500 2500 रुपए, ऑप्शन बी 3000 रुपीज, ऑप्शन सी 3500 रुपीज, ऑप्शन डी 4000 4000 रुपए। साथियों राजस्थान सरकार जो कि जिसके मुख्यमंत्री गहलोत है अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है तथा राजस्थान राज्य के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी हैं, उन्होंने स्नातक या समकक्ष यानी कि ग्रेजुएट लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया है। यह बेरोजगारी भत्ता पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 3000 रुपये होगा यानी कि 3000 रुपीज और महिला अभ्यर्थियों तथा विकलांग एवं दिव्यांगों के लिए यह भत्ता 3500 रुपये होगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा भत्ता मैक्सिमम जो दिया जाएगा अधिकतम 3500 रुपये दिया जाएगा, अतः हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर 3500 रुपए। तो मेरे प्यारे साथियों ये था आज का करंट अफेयर्स जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।